बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सजा है, हम हैं बाजारों के सबकी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शो। तो आज हम जा रहे हैं पंपी, अयोध्या की मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है। चलिए आपको हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। तो फाइनली दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं, अभी हम अपने एक दोस्त के साथ जा रहे हैं पंपिन पे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए आज दिखाते हैं आगे आपको। मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, चलो दिखाते हैं पंपिंग आ गई। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पंपिंग, आइए दिखाते हैं हम आपको अंदर का नजारा। चलिए आइए, पंपिंग का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा 1837 में करवाया गया था। चलिए हम दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। जो पंपिंग की कैनल बनी थी, तीन नहर वो बनी है जिससे पानी निकलता था सभी लोगों की सिंचाई के लिए आसपास, जिसे अंग्रेज कर वसूला करते थे। आइए दिखाते हैं आपको, ये रहा देखिए, यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से जाता है ऐसे होकर के। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हुआ पंपिंग है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आए तो एक बार जरूर आना बनता है, देख लीजिए कितने प्यारे नजारे हैं यार। मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर हम कुछ फोटो खिंचवाएंगे। और दोस्तों मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आया था कुछ महीने पहले, तो मैं अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर मैंने खींची थी, तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा रहता है। तो देखिए पीछे का बहुत सारा प्यारा भी, क्या बताओ दोस्तों, वाओ भाई साहब। देख लीजिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया लाइट है, जो कि आपको अभी भी इंग्लैंड में है। यदि आप लोग देखे होंगे इंग्लैंड की वीडियो, तो ऐसी ही लाइट इंग्लैंड में लगी हुई रहती है। देख लीजिए अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया हुआ लाइट है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है फव्वारा, ये हमारे आधुनिक भारत ने बनाया है, आज के इंजीनियरों ने बनाया है, लेकिन ये देखिए इसका कबाड़ा हो गया है। देखिए मेरे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आप फोटोग्राफी और क्या बोलते हैं बहुत सारे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉल्फिन मछली भी देखने को मिल जाएगी, अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, थोड़ा समय लगेगा डॉल्फिन निकल। दोस्तों हम पंपिंग के बाद चल रहे हैं ढिमाघाट, जो कि यहाँ पर एक पुल बना हुआ है नया नदी पे, तो भी वहाँ का भी बहुत प्यारा व्यू है। अभी वहाँ को, वहाँ से आपको बहुत प्यारे नजारे दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। चलिए दोस्तों हमने पंपिंग को पीछे छोड़ दिया है, अब चल रहे हैं ढिमाघाट पे, बने रहिए वीडियो में अंत तक। We'll be right back.
पीछे का नजारा देखो और यहाँ से नदी का नजारा देखो, कितना शानदार दिख रहा है ना। ये देखो भाई साहब, ये देख सकते हो मेरे पीछे जो है पूरा सारा नजारा, ये सब नदी का ही है। पीछे जो सरयू नदी है ये देख सकते हो आप लोग। अगर आप यहाँ आओ तो यहाँ पर जरूर आओ, यहाँ का लोकेशन फोटोग्राफी के लिए एकदम बेस्ट जगह है भाई साहब। यहाँ पर आओ तो फोटो जरूर खिंचवाओ, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोगों को यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग लाकर देते रहेंगे। आप लोग वीडियो तो देखते हो यार, पर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो, एक बार प्लीज कर लो यार चैनल। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।